नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में हम आ पहुँचे हैं 149 सर्ग पर। किष्किंधा कांड से 49वां सर्ग है यह, और इस सर्ग में है अंगद और गंधमादन के आश्वासन देने पर वानरों का पुनः उत्साहपूर्वक अन्वेषण कार्य में प्रवृत्त होना। तो पिछले सर्ग में हमने देखा था कि सीता की खोज में एक कंदरा से दूसरी कंदरा में वानर जा रहे थे, लेकिन उन्हें कहीं न पाकर बहुत निराश हो रहे थे और खिन्नचित्त होकर एक स्थान पर बैठ गए थे। तदनंतर परिश्रम से थके हुए महाबुद्धिमान अंगद ने उनको आश्वासन दिया। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। अथांगदस्तदा सर्वान् वानरानिदम् अब्रवीत् परिश्रांतो महाप्राज्ञः समाश्वास्य शनैर्वचः वनानि गिरयो नद्यो दुर्गाणि गहनानि च दरीगिरि गुहाश्चैव विचिताः सर्वमन्ततः तत्र तत्र सहास्माभिर्जानकीना च दृश्यते तथा रक्षोपहर्ता च सीतायाश्चैव दुष्कृती कालश्च नो महान् यातः सुग्रीवश्चोऽग्रशासनः तस्माद् भवन्तः सहिता विचिन्वन्तु समन्ततः विहाय तन्द्रीं शोकं च निद्रां चैव समुत्थितां विचिनुध्वं तथा सीतां पश्यामो जनकात्मजां। तो जब थक हार के वानर बैठ गए थे तो महाबुद्धिमान अंगद उन सभी वानरों को आश्वासन देकर धीरे धीरे इस प्रकार कहते हैं कि हम लोगों ने वन पर्वत नदियां दुर्गम स्थान घने जंगल कंदरा गुफाएं सब में भीतर प्रवेश करके अच्छी तरह देख डाला, लेकिन उन स्थानों में हमें कहीं जानकी जी के दर्शन नहीं हुए और ना ही उनका अपहरण करने वाला वो पापी रावण ही हमें मिला। हमारा समय भी बहुत बीत गया। राजा सुग्रीव का शासन बड़ा भयंकर है, अतः आप लोग मिलकर पुनः सब और सीता की खोज आरंभ करें। आलस्य शोक और आई हुई निद्रा का परित्याग करके इस प्रकार ढूंढें जिससे हमें जनक कुमारी सीता का दर्शन हो सके। अनिर्वेदम च दाक्ष्यम च मनसश्चापराजयम् कार्य सिद्धि कराण्याहुस्तस्मादेतद्ब्रवीम्यहम् अद्यापीदं वनं दुर्गं विचिन्वन्तु वनौकसः खेदं त्यक्त्वा पुनः सर्वं वनमेव विचिन्वताम् अवश्यं कुर्वतां तस्य दृश्यते कर्मणः फलम् परं निर्वेदमागम्य नाहि नोन्मीलनं क्षमम् सुग्रीवः क्रोधनो राजा तीक्ष्णदण्डश्च वानराः भीतव्यं तस्य सततं रामस्य च महात्मनः हितार्थमेतदुक्तं वह क्रियतां यदि रोचते उच्यतां हि क्षमं यत्त सर्वेषामेव वानराः। तो सेना को उत्साह दिलाते हुए अंगद आगे कहते हैं कि उत्साह सामर्थ्य और मन में हिम्मत न हारना, ये कार्य की सिद्धि कराने वाले सद्गुण कहे गए हैं, इसीलिए मैं आप लोगों से यह बात कह रहा हूँ। आज भी सारे वानर खेद छोड़कर इस दुर्गम वन में खोज आरंभ करें और सारे वन को ही छान डालें। कर्म में लगे रहने वाले लोगों को उस कर्म का फल अवश्य होता दिखाई देता है, अतः अत्यंत खिन्न होकर उद्योग को छोड़ बैठना
कदापि उचित नहीं है। सुग्रीव क्रोधी राजा हैं, उनका दंड भी बड़ा कठोर होता है। वानरों, उनसे तथा महात्मा श्री राम से आप लोगों को सदा डरते रहना चाहिए। आप लोगों की भलाई के लिए ही मैंने ये बातें कही हैं। यदि अच्छी लगे तो आप इन्हें स्वीकार करें, अथवा वानरों, जो सबके लिए उचित हो वह कार्य आप ही लोग बताएं। अंगदस्य वचः श्रुत्वा वचनं गंधमादनः उवाच व्यक्तया वाचा पिपासाश्रम खिन्नया सदृशं खलु वो वाक्यम अंगदो यदुवाचः हितम चैवानुकूलम च क्रियतामस्य भाषितम् पुनर्मार्गामहे शैलान कंदरांश शिलांस्तथा काननानि च शून्यानि गिरिप्रस्त्रवणानि च यथोद्दिष्टानि सर्वाणि सुग्रीवेण महात्मना विचिन्वन्तु वनं सर्वे गिरिदुर्गाणि संगताः ततः समुत्थाय पुनर्वानरास्ते महाबलाः विंध्यकानन संकीर्णां विचेरुर्दक्षिणां दिशं। तो अंगद की ये सब बात सुनकर गंधमादन ने प्यास और थकावट से शिथिल हुई स्पष्ट वाणी में कहा, वानरो, युवराज अंगद ने जो बात कही है वह आप लोगों के योग्य, हितकर और अनुकूल है, अतः सब लोग इनके कथनानुसार कार्य करें। हम लोग पुनः पर्वतों, कंदराओं, शिलाओं, निर्जन वनों और पर्वतीय झरनों की खोज करें। महात्मा सुग्रीव ने जिन स्थानों की चर्चा की थी उन सब में, वन और पर्वतीय दुर्गम प्रदेशों में सब वानर एक साथ होकर खोज आरंभ करें। यह सुनकर वे महाबली वानर उठकर खड़े हो गए और विंध्य पर्वत के काननों से व्याप्त दक्षिण दिशा में विचरने लगे। ते शारदाभ्र प्रतिमं श्रीमद्रजत पर्वतम श्रृंगवंतम दरीवंतम अधिरुह्य च वानराः तत्र लोध्रवनम रम्यम सप्तपर्णवनानि च विचिन्वन्तो हरिवराः सीता दर्शन कांक्षिणः तस्याग्रमधिरूढास्ते श्रांता विपुल विक्रमाः न पश्यन्ति स्म वैदेहीं रामस्य महेशीं प्रियां ते तु दृष्टिगतं दृष्ट्वा तं शैलं बहुकन्दरं अध्यारोहन्त हरयो वीक्षमाणाः समन्ततः अवरुह्य ततो भूमिं श्रांता विगत चेतसः स्थिता मुहूर्तं तत्राथ वृक्षमूलं उपाशिताः ते मुहूर्तं समाश्वस्ताः किंचित् भग्न परिश्रमाः पुनरेवोद्यताः कृत्स्नाम मार्गितं दक्षिणां दिशं हनुमत् प्रमुखास्ताव प्रस्थिताः प्लवगर्षभाः विंध्यमेवादितः कृत्वा विचेरुश्च समन्ततः। तो अब अंगद और गंधमादन के उत्साह दिलाने पर सब वानर फिर से तत्पर हो गए। सामने शरद ऋतु के बादलों के समान शोभा वाला एक रजत पर्वत उन्हें दिखाई दिया, जिसमें अनेक शिखर और कंदराएं थीं,
वे सब वानर उस पर चढ़कर सीता को खोजने लगे। सीता के दर्शन की इच्छा रखने वाले वे सभी श्रेष्ठ वानर वहां के रमणीय लोद्र वन में और सप्तपर्ण चितवन के जंगलों में उनकी खोज करने लगे। उस पर्वत के शिखर पर चढ़े हुए वे महापराक्रमी वानर ढूंढते ढूंढते थक गए, परंतु श्री रामचंद्र जी की प्यारी रानी सीता का दर्शन न पा सके। अनेक कंदराओं वाले उस पर्वत का अच्छी तरह निरीक्षण करके सब ओर दृष्टिपात करने वाले वे वानर अब उससे भी नीचे उतर गए। पृथ्वी पर उतर कर और बहुत अधिक थक जाने के कारण वो सब अचेत हुए, वहीं एक वृक्ष के नीचे गए और दो घड़ी तक वहीं बैठे रहे। अब कुछ समय सुस्ता लेने पर जब उनकी थकावट कुछ कम हो गई, तब वे पुनः संपूर्ण दक्षिण दिशा में खोज के लिए उद्यत हो गए। तो हनुमान आदि सभी श्रेष्ठ वानर सीता के अन्वेषण के लिए प्रस्थित हो पहले विंध्य पर्वत के ही चारों ओर विचरण करने लगे। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 49वां सर्ग हम पूर्ण करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये किष्किंधा कांडे 49वां सर्ग। ओम श्री सीता राम चंद्राभ्याम नमः।